Good afternoon to all. Welcome to our program, The Great Talk. I'm Dr. Muhammad Rafiq Farooqi, the Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have conversation with the Umeed Charitable Trust, Anand, Gujarat. I would like to introduce our panelists. First of all, I am going to welcome Mr. Riaz Bhai Vohra Sir, the Honorable President, Umeed Charitable Trust. Welcome to our program, sir. Our second guest is the General Secretary of Umeed Charitable Trust, Mr. Sarfaraz Bhai Vohra. Welcome, sir. Thank you. Our third guest is Dr. Javed S. Vohra, sir, the trustee of Umeed Charitable Trust. Welcome to our program, sir. Now, we are going to start the program, The Great Talk. First of all, मैं प्रेसिडेंट सर को फिर से दिल से वेलकम करना चाहता हूँ और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सर, आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरा नाम रियाज वोहरा है। मैं उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। सो मच। अब सर, मुझे ये बताइए कि ये आपने ट्रस्ट बनाया, उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट जो आपने बनाया, इस ट्रस्ट को एस्टैब्लिशमेंट करने में आप लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से आप लोगों ने इस ट्रस्ट को बनाया? ट्रस्ट बनाने से पहले हमने सब विस्तार के सब लड़कों के साथ मीटिंग की, सब देखी की है। सब विस्तार में से दो तीन करके दो साल ग्रुप चलाया, उम्मीद ग्रुप करके, और उसके बाद दो साल बाद उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करवाया आनंद चैरिटी ऑफिस में। मिस्टर सरफराज भाई वोहरा सर, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ट्रस्ट, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सरफराज वोहरा है और मेरे को दूसरे नाम से टीकू भाई काजल के नाम से भी पहचान होते हैं ज़्यादातर आदमी। मैं उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और लास्ट 6 से 6 ईयर से ज़्यादा है हम लोग एक ग्रुप चला रहे हैं, उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट जी। हमको आपको कुछ कुछ मिल जाए जी जी जी। ओके, कितना फाइन, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। हम पिछले 6 साल से ज़्यादा समय से यानी कि इस ग्रुप के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं। परफेक्ट, थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर जावेद एस वोहरा साहब कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ डॉक्टर जावेद एस वोहरा, आई एम ए होम्योपैथिक डॉक्टर सिंस 2001 एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एट वॉल्सन डेरी रोड आनंद। माई क्लिनिक नेम अमन क्लिनिक एंड आई एम जॉइंग उम्मीद चैरिटेबल द सिंस दे वर स्टार्टेड उम्मीद उम्मीद ग्रुप। थैंक यू सो मच सर। लेट अस प्रोसीड नाउ। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक प्रेसिडेंट होने के नाते जो उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट में एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसको जिस तरह से आप लोगों ने बनाया, वो बनाने में आप लोगों ने क्या क्या किया, किस तरह से, जैसे आपने बताया मीटिंग वगैरह की, लेकिन उस तरह से फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने किया चैरिटेबल ट्रस्ट में, उसके बारे में थोड़ा आप हाईलाइट करिए। सबसे पहले जब हॉस्पिटल में जब लड़का था, वो सब जब तकलीफ जो पड़ती थी, उस हिसाब से सब लड़कों के साथ बैठ के हम 4-5 आदमी ने डिसाइड किया कि अब कुछ करना चाहिए। उसके लिए फिर सब पहले 15-20 दिन तो सब पूरे एरिया में से दो तीन लोग को लिया। उसके बाद सबसे पहले जो चालू किया
और जो हमारा पहला फोकस तो ब्लड का था और कम्युनिटी को ज्वाइन करना था, तो सबसे पहला हमारा प्रोग्राम आया ब्लड चेकअप कैंप। तो जो जो इंसान को खुद का ब्लड ग्रुप नहीं मालूम वो चाहो वो खुद मालूम कर सके, वो उम्मीद ग्रुप के बैनर से हुआ था पहले। पहले दो साल उम्मीद ग्रुप चलाया, उसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर करवाया। जहाँ तक हम बात करें उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट की, बहुत सारी एक्टिविटीज आप लोग करते हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि हमने ब्लड क्रम्प से ये स्टार्ट किया, पहले एक ग्रुप था फिर इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन मिला, राइट। तो उस हवाले से मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, थोड़ी एक्टिविटीज़ आप बताएंगे, बाकी बाकी सर बताएंगे। हमारी एक्टिविटीज़ में सबसे मेडिकल में ब्लड चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप हर साल तीन या चार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, और एजुकेशन के लिए जी एजुकेशन के बारे में आप बोलिए। यानी हम लोग अभी लास्ट पाँच साल से एजुकेशन के बारे में, यानी कि जो कम्युनिटी के जो छोटे लड़के हैं उनको एजुकेशन की बढ़ाए, यानी कि आगे आने के लिए हम लोग क्या के प्रोग्राम करते हैं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का हर साल हम लोग प्रोग्राम करते हैं। लास्ट ईयर हमारे कोरोना की वजह से नहीं हो पाया प्रोग्राम, लेकिन पाँच साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं कि लड़कों को भी, यानी कि जब वो कुछ केस पे आए, हम छोटे से बच्चे से लेकर एजुकेटेड, यानी कि जो फर्स्ट से लेकर के हम लास्ट तक जो है पोस्ट, ऐसे लड़कों को हम लोग बुलाते हैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनके अंदर एक खुद के अंदर एक अवेयरनेस आएगा, भले वो कैसे भी उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई थोड़ी कच्ची, लेकिन एक बार स्टेज पे आएगा तो उसको भी यानी कि पढ़ने का मन होगा, वो इंस्पायर हो जाए, इंस्पायर हो जाए वो। ये काम पिछले पाँच छः साल से अलहमदिल्ला पाँच छः साल से कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं व्यूवर्स को बताऊँ कि एक छोटे से मेडिकल कैंप से, ब्लड डोनेशन कैंप से इन्होंने किस तरह से फिर ये अंडरस्टैंड किया कि हमारी सोसाइटी में या हमारे गुजरात स्टेट में एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो फिर उसके रिलेटेड ये एजुकेशन की अवेयरनेस और प्रमोशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को ये इन्वाइट करते हैं और फिर उनको अवार्ड्स देते हैं, प्राइजेस देते हैं, ताकि उनमें एजुकेशन की अवेयरनेस आ जाए, राइट। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक मेडिकल एजुकेशन है या फिर एकेडमिक एजुकेशन है, इसके बगैर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करते हैं? हम लोग सबसे ज़्यादा हमारा काम हर साल आनंद में, या तो हमने सुना नहीं है, बल्कि आनंद में तो पहली बार ऐसा हुआ था, खिदमत ए शहरी। ओके। जो रमज़ान मास की एक शहरी रहती है, आपको पता है कि रात को 3 से 5 बजे के बाद हमें शहरी करनी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि आनंद या आनंद के आजू बाजू या करमसद हॉस्पिटल है या तो दूसरी हॉस्पिटल है जो आनंद के एतराब में है, 10 किलोमीटर के एतराब में, उसके अंदर रात को मुस्लिम पेशेंट्स रहते हैं या तो उनके रिलेटिव्स रहते हैं, वो लोग 3 से 5, ऐसा नहीं रहता कि कई बार कुछ भी मिलता नहीं है, आप समझ सकते, कई बार रात को कुछ लेने निकले तो नहीं मिलते, तो वो लोग क्या है ना, रोज़ा रहता नहीं है। हम लोग पिछले 6 साल से हर रोज़ रात को 2 से 2:30 बजे फ्रेश खाना बनवाते हैं, सिंगल पार्सल पर पर्सन, एक सिंगल पार्सल जिसमें फ्रूट्स है, चाय है, पक्का खाना है, जैसे राइस रहती है, दाल रहती है, बिरयानी, वेज बिरयानी, वो सब करके हॉस्पिटल में डायरेक्ट जहाँ पेशेंट है वो पेशेंट को, या तो उसके कोई भी रिलेटिव जिसको रोज़ा रखना है, हम लोग उसको डायरेक्टली वो जगह पे गर्म खाना शहरी के वक्त पहुँचा रहे हैं। हर साल हमारे ये इसमें इजाफा हो रहा है, पहले हमने 50 से 60 किया है, अभी हम लोग हर साल रोज़ रात को 300 से ज़्यादा पार्सल डायरेक्टली पेशेंट या तो फिर इसका जो रिलेटिव है जिसको रोज़ा रखना है उसके पास हम लोग पहुँचा रहे हैं। उसके लिए हम लोग स्पेशल टीम रखते हैं कि जिसको रोज़ा रखना है, हॉस्पिटल में हम लोग स्टिकर्स लगा देते हैं कि उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट की ये हॉटलाइन है, आप इसको शाम को यानी मगरब तक कॉन्टेक्ट करो कि हमारे इतने लोगों को रोज़ा रखना है कि इतने लोगों को नहीं रखना है, तो उसके हिसाब से मुताबिक हम लोग फ्रेश पार्सल बना के डायरेक्टली पेशेंट या उनके रिलेटिव को
पिछले 6 साल से हर रमज़ान में 30 दिन रेगुलरली पहुंचा रहे हैं। ये हमारी एक खिदमत है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, किसी का भी फ़ोन आए, कोई भी जिसको भी रोज़ा रखना हो, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट शहरी के वक्त, प्रॉपर शहरी के टाइम पे हम लोग उसको गर्म खाना पहुँचा रहे हैं। बहुत खूब। जैसे व्यूअर्स ने भी देखा कि रमज़ान के 30 के 30 दिन इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे इनकी टीम, इनके वॉलंटियर टीम वहाँ पर डिलीवर करते हैं फ्रेश खाना, चाहे शहरी हो या इफ्तारी हो। खैर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मिस्टर रियाज भाई वोरा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कोविड का फेज था, कोविड-19 का जो दौर था, उस टाइम आपकी चैरिटेबल ट्रस्ट ने क्या क्या काम किया? कोविड के टाइम पे जो टाइम लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, उस टाइम कलेक्टर ऑफिस से हमको भी बुलाया था कि ये लॉकडाउन हुआ तो आप क्या खिदमत दोगे। तो हमने जब कलेक्टर ऑफिस में जब पहली बार गए, तो उस टाइम हमने कलेक्टर ऑफिस में 1000 आदमी का रोज का डेली खाने तैयार और रेडी खाना होम टू होम पहुंचाने का बोला है। फिर जब चालू किया दूसरे दिन से, तब पहले दिन 1000, फिर उसमें भी हमने हेल्पलाइन नंबर रखे थे कि गरीब और मिडिल क्लास जो फैमिली थे वो कहीं किसी के पास बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर चालू किया था। हेल्पलाइन पे जैसे कि मेरा नंबर था, मेरे को फ़ोन करे कि ये सोसाइटी में ये नंबर का मकान है, वो मकान में खाना 4 आदमी का पहुँचाने का, तो उस टाइम भी सिंगल आदमी का सिंगल पर्सन वो पार्सल था, एक आदमी के लिए एक पार्सल। उस वो घर के आगे वो हमारा वॉलंटियर जाता था और वो घर का दरवाजा रखकर उनको घर में देता था। और उसके बाद जब चालू हुआ यहाँ, वो परिवार पाड़ी प्लॉट के पास बाजू में ही चालू किया था, उसी टाइम पहले 1000 आदमी से चालू किया था, फिर 1200 हुए, 1500 हुए, फिर 2000 हुए, 2500 हुए, फिर 10-12 दिन बाद तो ये काउंट 5000 से ऊपर चले गए। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया 6000 तक चले गए। और उसमें बीच में ऐसे 15 दिन आए कि बाजू में जो हरगुड़ गांव है वहाँ भी लॉकडाउन हो गया था। उस टाइम भी वहाँ भी जो 300-400-500 पार्सल भी हुए, वो हरगुड़ गांव भी हमारे हाथ में आया। उस टाइम हमने वहाँ खिदमत की थी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि कोविड के रिलेटेड जो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड कर रहे थे, तो इसमें आप बताएं कि क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट को करते थे या किस किस कम्युनिटी को आप देते थे? वो तो उस वक्त तो सर में धर्म संभव था सबसे पहले। okay. कोई कम्युनिटी को हमने वो नहीं किया, यानी कि जिसका भी हमने एक हेल्पलाइन नंबर हमारे फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक यानी जो हमारा जो पेज है उसके ऊपर हमने बोल यानी कि ऐड डाल दिया था कि जिसको भी कहीं पर भी फूड की ज़रूरत हो तो हमें कॉन्टेक्ट करें। हमारा हेल्पलाइन हम लोगों ने लिखा हुआ था, 3-4 हम लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर थे, यानी कि जिसको भी ज़रूरत थी वो हमको खाली रजिस्टर करवा देते थे कि हमारे 4% या 5% है, जितने भी पर्सन है वो हम लोग यहाँ पर हमारी नोटबुक में एंट्री करते थे। जब खाना हमारा रेडी हो जाता था तो उसके बाद हम लोग यानी कि उसके डोर टू डोर हम डिलीवरी, हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे जो दूसरे हमारे फ्रेंड्स हैं, जो ब्रदर्स हैं, जो लड़के हमारे ग्रुप्स के, तो फिर यानी कि उनको डोर टू डोर हम डिलीवरी करते थे। उनको यहाँ आने का किसी को हम लोग तकलीफ में, यानी कि लॉकडाउन था, हालांकि प्रशासन ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया था, यानी प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, मामलतदार ऑफिस हो, उन लोगों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया हुआ था कि हमारे इतने लॉकडाउन के अंदर यानी कि हमारे जो ग्रुप्स के लड़के थे उनको छूटछाट दी थी, क्योंकि हम लोग जो डोर टू डोर पार्सल जो दे रहे थे, कभी यहाँ से वहाँ जाना है, आनंद के एक छेड़ एक कोने से दूसरे कोने में जाना होता है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी हमको बहुत ही यानी हेल्पफुल किया, डोर टू डोर हम पार्सल सबको दे रहे थे उसको। थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इस तरह से इन्होंने जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया कोविड में, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जहाँ तक मेडिकल सर्विसेज की बात करें हम, तो कोविड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया? मेडिकल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे
ट्रस्ट में भी एक दूसरे पे डॉक्टर भी है, हम दोनों डॉक्टर्स ने भी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई थी कि किसी को किसी की भी ज़रूरत पड़े, या तो ऑक्सीजन बॉटल्स है, या तो कहीं पर एडमिशन है, या तो कोई और रिपोर्टिंग है, कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो लोग हमको एनी टाइम 24/7 हम लोग अवेलेबल रहते थे कि किसी भी कोई भी ज़रूरत पड़े हम लोग वो ज़रूरत उनकी पूरी करने की कम कोशिश करते रहते थे पूरे कोविड के दरमियान। फिर हमने साथ में वो इम्यूनिटी बूस्टअप की जो टैबलेट्स थी कि वो सब भी हम लोगों ने डोर टू डोर यहाँ पे जितने एरियाज हैं वो सब में डोर टू डोर उनको प्रोवाइड किया था। राइट सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोविड में ये सब आप लोगों ने काम किया, जो पोस्ट कोविड का सिनेरियो था, जैसे कोविड कंट्रोल में आया उसके बाद जो आपकी स्कूल है जिसका नाम आपने कोविड अकेडमी रखा है, पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसमें बाकी क्लास के भी रजिस्ट्रेशन करें। मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि जो आगे का प्रोसेस है एजुकेशन के फील्ड में, उसमें आपकी कोशिश क्या है, क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एजुकेशन में? अब हमारी आगे की प्रोग्रेस में ऐसा है कि हम एक 1-5 की इंग्लिश मीडियम परमिशन की वो है आगे प्रोसेसिंग में है, 1-5 इंग्लिश मीडियम और 1-5 गुजराती मीडियम, और उसके बाद आगे जाएंगे। मतलब आपके जो एप्लीकेशन है आफ्टर 5 स्टैंडर्ड आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ है और जो भी प्रोसेस उसमें चल रहा है उसमें अल्लाह ताला आपकी कामयाबी दे। खैर मैं जनरल सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये जो एकेडमिक एजुकेशन है यानी जो क्लासरूम एजुकेशन है, इसके बगैर जो स्किल इंडिया की बात हम करें या वोकेशनल कोर्सेज की बात करें, तो उसके बारे में आपका कोई प्लानिंग है कि फ्यूचर में आप यहाँ पर कोई ITI बनाए या फिर बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे, ऐसा कुछ प्लानिंग है? इंशाल्लाह ऐसा प्लानिंग तो है, लेकिन अभी हमारा यानी पूरा जो फोकस है जी वो अभी यानी जैसे हमारे यहाँ अभी हमने उम्मीद अकेडमी जो हमारा यानी जूनियर के लिए सीनियर के लिए नर्सरी 3 क्लास भी है, बाकी अभी कोरोना के चलते हमारा यानी कि थोड़ा आगे का जो हमारा जो फोकस था थोड़ा डर हो गया यानी कि रुक गया था। इंशाल्लाह आगे हमारा जब ये 1-5 का जो परमिशन का बाद आएगा उसके बाद जब यानी कि इंशाल्लाह हमारा वो प्रोग्राम यानी लाइफ में आगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे स्किल का हमारा प्रोग्राम है कि ITI का अल्लाह ने अगर उम्र भी दी कुछ वो भी दिया तो इंशाल्लाह वो भी प्रोग्राम आगे फोकस करेंगे हम लोग कि जैसे कम्युनिटी का अदर यानी कि पूरे हिंदुस्तान को हम लोग कैसे आगे बढ़ाए युवाओं को बच्चों को। डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला काम तो आप लोगों से बहुत लेता है और अल्लाह का फजल है कि आप लोगों को काम पे खड़े भी उतरते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल या वोकेशनल कोर्स के साथ साथ आप लोगों का क्या कोई ऐसा प्लान है कि फ्यूचर में आप कोई ऐसा बड़ा कोई मिनी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल का एस्टैब्लिशमेंट करें, ताकि जो आप लोगों को बहुत सारे कैंप्स करने पड़ते हैं चाहे ब्लड के कैंप हो या जनरल चेकअप के कैंप हो, तो आप कोई ऐसा हॉस्पिटल भी एस्टैब्लिशमेंट करें, ऐसा कुछ प्लानिंग है आप लोगों फ्यूचर में? फ्यूचर में सोच सकते हैं क्योंकि हमारे कम्युनिटी के हॉस्पिटल कभी काफ़ी कम होते हैं, जनरली आपने देखा होगा हमारी कम्युनिटी को उतने मुस्लिम कम्युनिटी में हॉस्पिटल्स नहीं रहते हैं। इंशाल्लाह अगर हमारा योग वो भी इरादा रहेगा, अगर मेडिकल फैकल्टी में हम लोग ऐसे तो डॉक्टर्स हैं भी ट्रस्ट में, तो सोच रहे हैं कि अगर ये एजुकेशन का आगे हमारा चला तो धीरे धीरे सोच के हॉस्पिटल का भी सोच लेंगे, मेडिकल फैकल्टी में भी हम लोग आगे जाने का सोच रहे हैं। प्लस ये हमारा ये भी प्रोग्राम है कि जो हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस है एजुकेशनल अवेयरनेस वो करने का हम लोग खास सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि ये कम्युनिटी में थोड़ा एजुकेशनल लेवल ओवरऑल थोड़ा कम होता जाता है, तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी में ऐसा रेगुलर बेस पे अवेयरनेस करें कि एजुकेशनल पे आगे आगे बढ़े, ऐसा हम लोग हमारा इरादा भी है और हॉस्पिटल का भी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। दूसरा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आप लोगों से एक व्यक्तिगत क्वेश्चन पूछूंगा, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि वो जैसे वजू के बगैर निमाज नहीं है, खाने के बगैर हमारी एनर्जी नहीं है, इसी तरह से आप लोगों को ये सब काम करने की जो प्रेरणा है, आप लोगों को जो इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो आप
हमसे शेयर करें कि बारी बारी पहले मैं प्रेसिडेंट साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये सब काम जो आप कर रहे हैं समाज के लिए, तो इसके लिए आपको इंस्पिरेशन प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सबसे पहले ये प्रेरणा की बात करें तो उसमें सबसे पहले बताऊंगा कि एक प्रेरणा पूरी मुझे मिली है मेरे फादर से कि वो खुद भी एक सामाजिक संस्था के साथ थे और ऐसे सामाजिक संस्था में ज़्यादा इंटरेस्ट था सामाजिक सेवा में, समाज सेवा में। उसके बाद जो फैमिली सपोर्ट मिला और जैसे जैसे आगे चला गया ऐसे ऐसे फैमिली में सपोर्ट में सपोर्ट के हिसाब में वो सब कम्युनिटी भी सपोर्ट में आई। वो सब जो उम्मीद में जो काम करने वाले लड़के जो रात दिन कोई भी टाइम एनी टाइम ऐसे भी वॉलंटियर है कि जो टाइम आज तक घड़ी देखी नहीं होगी उन्होंने, कोई भी टाइम बोलो 5 मिनट में आपके सामने हाजिर हो जाते ऐसे वो सब वही सब प्रेरणा है हमारे लिए तो कि कोई भी काम करना हो तो हमारे पीछे ये है वही सोच के हम लोग आगे चलते हैं। शहरी के वक्त आप सोचो कि 1:30 बजे शहरी के लिए 50 से 100 लड़के ऐसे आ जाते थे वो टाइम पूरा निकल के अपना, और वो लोग भी शहरी का सामान पहुंचाने के बाद भी वो लोग शहरी तो करते हैं, ऐसा नहीं कि भाई रोजा नहीं रखा ने चले गए ऐसा भी नहीं है, वो खुद अपना थोड़ा टाइम निकल के अपनी खुद की शहरी भी करते हैं, रोजा रखते हैं, पूरा दिन काम भी करते हैं, कोई जॉब करता है कोई धंधा करता है, पर फिर भी हर रोज रात को 1:30 बजे ने वो सब अपने आप किसी को फोन नहीं कोचिंग भी नहीं कॉन्टेक्ट नहीं वो खुद से सेल्फ आ जाते थे उधर। हमारे क्या वो पैकिंग करना पड़ता है जी जी, अलग अलग चीज़ आती थी जी, कुक बना के क्या एक था पहले मैं चलो कड़ी खिचड़ी है तो कड़ी दे दी राइस दे दिया, हम लोग को सिंगल पार्सल बनाते थे कि भाई एक के अंदर राइस एक की कड़ी ऐसा ऐसा अलग अलग पार्सल बनाते थे और पूरी किट जैसा बनता था, फिर वो एक बैग होता था सिंगल पर्सन की सिंगल बैग उसके अंदर चाय केले वो सब बैग बनता था और सिंगल सिंगल ऐसे पार्सल सबके बनाने के रेडी करने के सबको एक चिट मिलती थी कि चलो भाई कोठियाला साहब के उधर हॉस्पिटल है तो 5 आदमी है तो उसके 5 नंबर 201 रूम नंबर पर पहुँचना है 204 नंबर पर पहुँचना है ऐसे 2 लोग साथ में लेके चले जाते उधर रूम पे वो उठाते सब शहरीकरण वो सब कर लेते। ऐसे कम से कम 100 से 150 लड़के ऐसे ही आ जाते थे, किसी को बुलाना नहीं है कोई नहीं। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि इनको आपके वालिद साहब से प्रेरणा मिली है, फिर आपने बात करी कि फैमिली ने सपोर्ट किया है, फिर आपने बात करी कि जो आपकी वॉलंटियर टीम है जो इतने मोटिवेटेड है कि बिना उनको किसी इंटीमेशन के वो टाइम टू टाइम आते थे। बेशक सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो इस चैरिटेबल ट्रस्ट से आप जुड़े हैं तो ये सामाजिक काम कर रहे हैं आप, इंडिया को आगे ले जा रहे हैं आप, न कि गुजरात को बल्कि पूरे इंडिया को आप आगे ले जा रहे हैं, वो भी इस उम्मीद से कि हमारा किसी भी कम्युनिटी के साथ काम करने में दिल है, ठीक है ना? तो उस हवाले से हमें बताइए कि आपकी जो प्रेरणा है आपको जो इंस्पिरेशन करता है वो क्या है? सबसे पहले तो मेरे फादर ही है मेरे इंस्पिरेशन। उन्होंने हालांकि 10 साल मेरे फादर आनंद म्यूनसिपाली के अंदर काउंसिलर भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जी, और सोशल वर्कर्स उन्होंने बहुत किया हुआ है। मेरे तो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत जो बोलते हैं मेरे फादर ही है जी जी। बाद में हमारा जो उम्मीद ग्रुप का जो हमारा स्लोगन है जी, डूबने से पहले तैरना सीखो हमारा उम्मीद ग्रुप का स्लोगन है जी, तो डूबने से पहले तैरना सीखो। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम पूरी कम्युनिटी या चाहे पूरे समाज को चाहे पूरे एक साथ में लेकर तो नहीं जा सकते हैं कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि आज सबको एक साथ में ऊपर ले जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा देखते हैं कि हमसे एक आदमी का अच्छा होता है, कितना एक आदमी का खाली अच्छा होता है तो उसको अगर पकड़ के चलो 10 आदमी चूज करो 1 का तो अच्छा होगा, हम लोग वही यानी कि ज़्यादा करते हैं कि 10 में से आपको प्रेरणा मिलती है जी कि किसी ने किसी को डेवलप करना है किसी को और अल्लाह ताला हमारे जरिए चाहे किसी और के जरिए यानी कि उसको एक को तो आगे ले जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ वही सवाल जो मैंने इनसे पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के लिए। आपने पहले तो सुना कि भाई ये ग्रुप जगह से बना है जो लड़की अछत रहती थी हमारे समाज में, मेनली लोगों को वो पता नहीं था कि मेरा ग्रुप कौन सा है,
कहीं कई जगह पे मैंने अपने लोगों ने ऐसा देखा हॉस्पिटल में बिना लड़के लोग तड़पते हुए साथ में 10 लड़के खड़े हैं और उनको पता नहीं कि मेरा ग्रुप कौन सा है, मैं इनको ब्लड दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ऐसे कई हम लोग पेशेंट को तड़पते देखा हुआ कि विदाउट ब्लड वो लोग चले जाते हैं, क्या करें मिलता नहीं। तो हम लोग ने सबसे पहले ही अवेयरनेस डाली, हम लोग को वही इंस्पिरेशन मिला भाई हम एक आदमी का भी हम लोग जान बचा लेंगे तो भी बहुत हमारे लिए। हमने जो बोला कि भाई पहले दिन हमने ब्लड ग्रुप चेकअप रखा तो 6000 से ज़्यादा लोगों ने तो ब्लड ग्रुप चेकअप करवाया। आज उसमें से समझो कि 500-700 लोग तो एकदम एक्टिवेट कैसे रहते हैं कि हमारे ग्रुप में वो लोग मैसेज डाल देते हैं कि भाई मेरा 3 महीना हो गया भाई कहीं पर ज़रूरत है तो मेरे को ब्लड मेरे देना है, ऐसे एक्टिव मेंबर्स हैं। और आप यहाँ भी रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसने कितने साल से हमको बेस्ट ग्रुप बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया हुआ है उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट। आज पूरे आनंद में कहीं भी ऐसी आनंद जिले में कहीं भी ऐसी ब्लड की जरूरत रिक्वायरमेंट रहती है तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि भाई अभी काम करो, नहीं हो रहा तो उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट को कॉन्टेक्ट करो, पॉसिबल है उनसे हो जाए। ये उम्मीद ही हमारे को जगा रही है कि भाई हमारे लिए कोई उम्मीद तो करता है कि भाई ना चलो ये लोग है तो हमारा तो कुछ होगा ही। और हमारे लड़के भी इतने एक्टिव है, अल्लाह उनकी जान माल को बहुत तरक्की करे। आप 2 बजे भी रात को उठाओ तो वो लोग ये नहीं पूछते कि भाई क्या करना है कहाँ जाना है, वो अपना बाइक व्हीकल लेके आ जाते हैं खुद के खर्चे से ब्लड दे के, वो ये भी नहीं सोचते कि इसका पीछे मेरे वो क्या, वो सीधे घर। उनको कोई ऐसा नहीं रहता कि भाई चलो पैसे की ख्वाहिश के कुछ ऐसा खाने पीने की ख्वाहिश, रेगुलरली उम्मीद में हमने सबसे ज़्यादा ये अच्छा देखा हुआ है कि एक भी वॉलंटियर आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि जिसकी कोई ख्वाहिश रही हो ब्लड देने में कि भाई हम कई ऐसे तो वॉलंटियर्स हमारे ऐसे हैं कि आप रात को 2 बजे बोलो तो कहते हैं एक काम करो उसका ब्लड ये ऐसा है मैं उसको उठा के ले जाता हूँ दिला के उसको घर छोड़ जाऊँ। अब यही हमारी उम्मीद है, हमारे वॉलंटियर्स ही हम लोग को उम्मीद दे रहे हैं कि भाई ना कुछ करो कुछ करो ऐसा। आज वो लोग हर 3 महीने हमारा कॉन्टेक्ट हम लोग इतना अच्छा लगता है भाई चलो अच्छा है इसका बार आ गया, हम लोग खुद भी ब्लड देते हैं सबको दिलवाते हैं और काफ़ी एक अवेयरनेस आ भी गई है ब्लड डोनेशन के बारे में। यही हमारे लिए हमारी सबसे ज़्यादा पेड़ा है। एजुकेशन के बारे में हम लोग आगे निकल रहे हैं, सब जगह पे निकल रहे हैं। हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई हमारा ईमान भी मजबूत रहे, हमारा काम भी मजबूत रहे, कोई एक आदमी की दुआ निकल जाए कि भाई ना चलो चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये किया, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। और फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, ट्रस्ट अच्छा है सबसे, हमारा ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीज हैं या वॉलंटियर्स हैं सबसे बेस्ट है अभी हमारे लिए। मिलजुल के भाई की तरह भाईचारे के साथ में रहते हैं, अल्लाह ये इन सबको उम्र दराज करे और कामयाब करे। अच्छा जहाँ तक हम बात करें कि आपने शुरुआत में तो थोड़ा उसको एलैबोरेट किया था प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टूडेंट्स को आप करते थे, उसमें हम ये जानना चाहते हैं आप तीनों से ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप थोड़ा एलैबोरेट करिए। फर्स्ट से लेके आप बता रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को देते हैं, लेकिन ये किस बेस पे देते हैं आपको, उनको सिलेक्ट किस तरह से करते हैं आप, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है? वो सबसे पहला हमने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो 10 और 12 का किया था, उसमें 12 का किया था 80% और 12 का 80% था और 12 साइंस का 75% था। फिर दूसरे उसमें भी 380 थे स्टूडेंट, दूसरी बार जब किया उसमें 8, 9, 10 और 11, 12 उसमें भी ऐसा ही है 80% है जैसा सब। और तीसरी बार जब किया उसमें फर्स्ट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक लिया कॉलेज ने एजुकेशन कॉलेज ने वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो पहले भी लिया था और लास्ट में तो फर्स्ट से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें 850 बच्चे थे वो परिवार पार्टी प्लॉट में बच्चे किया था। हाँ 850 बच्चे थे पूरा परिवार पार्टी प्लॉट भी देखा था। इसमें डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं। टोटल राइट। अच्छा आगे में सर आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि फ्यूचर के बारे में आपने थोड़ा तो बताया हमें, लेकिन ऐसा कोई सपना है उम्मीद ग्रुप का या ऐसी कोई उम्मीद है उम्मीद ग्रुप को कि जो आप आगे आने वाले फ्यूचर में करना चाहते हैं 2-3 साल में, ये
जैसे अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपने स्कूल बताया कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बगैर कुछ आपके माइंड में है, कुछ करना चाहते हैं? या फिर मैं आपको मुझे एक इस तरह से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारा देश है, जो भारत देश है, इसको हमें, इसको कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। कंपोजिट कल्चर यानी यहाँ हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब लोग रहते हैं, तो उसके हवाले से कुछ प्रोग्राम्स अगर होंगे हमारे माध्यम से, आपके ताउन से हम जुड़कर वो ऐसे तरह के प्रोग्राम करेंगे, चाहे आनंद में करेंगे या दूसरे किसी सिटी में करेंगे, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ आपके, आपकी क्या राय है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए? जरूर होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन है ना इंडिया, है नहीं, हर कौम की हर पॉपुलेशन है, तो हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि सब लोग एक होके कुछ ऐसा करे तो जो देश को आगे ले जा सके। हमारा रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही करना है। अच्छा, बिफोर हम इस प्रोग्राम को रैपअप करें, क्लोज करें, आप लोगों की तरफ से पूरे गुजरात को या पूरे इंडिया को अपनी तरफ से आप एक मैसेज दीजिए कि आपका मैसेज क्या है, आपका संदेश क्या है गुजरात के लोगों के लिए या पूरे इंडिया के लोगों के लिए, या हालांकि मैं तो कहूँगा पूरे वर्ल्ड के लिए, आपको क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ना, वो आप बताइए क्या मैसेज। आपका पहला मैसेज आई थिंक एजुकेशन पे बहुत फोकस है आप लोगों का, हाँ। तो आप ऐसा बता सकते हैं कि हम लोगों को ये बताते हैं कि अपने बच्चों को आप पढ़ाओ, चाहे खाना कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चों को आप पढ़ाओ, ये भी ज़रूरी है कि आप उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दीजिए। गुजराती तो ठीक है, साथ साथ में जो बाकी सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश मीडियम है आपका शुरुआत से ही, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ पर्सनली। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रखते हैं कि भाई हम गुजराती में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों के जहन में पहले डाला है, अल्लाह ताला आपको कोशिशों को कामयाब करे कि इंग्लिश मीडियम को लेके, ताकि हमारा जो बच्चा है जो यहाँ पर कोई भी किसी भी जाति धर्म का एजुकेशन ले, उसको कल मार्केट में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है ना? तो इस तरह का आप कोई मैसेज बताए। मेरा मैसेज दुनिया के लिए, भारत गुजरात और सबके लिए एक ही है कि दुनियावी शिक्षण और दीनी तालीम दोनों ज़रूरी है, और वो सबसे पहले चाहिए। थोड़ा कम खाओ और पढ़ाओ। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। आपसे आपका मैसेज क्या है, मतलब गुजरात और पूरे इंडिया के लिए? मेरा मैसेज पूरे देशवासियों के लिए यही है, क्या हम एजुकेटेड होंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। जैसे एक स्लोगन था, पढ़ेगा इंडिया तभी जाएगा बढ़ेगा इंडिया। बस मेरा मैसेज तो सबके लिए, चाहे वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जिसको वो आगे बच्चा अपना बड़ा होकर काम तो अपना करेगा ही, चाहे वो जॉब करेगा चाहे खुद का बिजनेस करेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है एजुकेशन। सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। सर आपसे सेम क्वेश्चन है जैसे इनको पूछा। मेरा तो ऐसा कहना है कि भाई आपके बच्चों की सही स्किल आप पहचान, कि आपका बच्चा कौन सी स्किल डेवलप कर रहा है, और मेरा उसका वो जो इरादा हो, जो फील्ड में जाना हो या तो उसको जो भी करना हो, ऐसा है नहीं कि कोई एक फील्ड से, यानी हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, पर अभी कल्चर ऐसा है कि आप किसी भी उसका लायक जो उसको पसंद हो वही फील्ड में उसको आगे बढ़ाओ और उसकी स्किल वही फील्ड में डेवलप करो, तो जिससे आगे जाके वो बच्चा खुद सेटिस्फाइड रहेगा कि भाई नहीं चलो हमारे माँ बाप ने, हमारा जो भी केयर टेकर है उसने मेरे को मेरे हिसाब से मेरे को आगे बढ़ने दिया, और तभी वो जाके वो भी वो समझ वो दुनिया को भी दे सकेगा, और फिर इंशाल्लाह सब तरह सब ऐसे रहेंगे तो जिनका जो जो स्किल है वो आगे बढ़ेगा, तो इंडिया का भी फायदा रहेगा, पूरे वर्ल्ड का भी उसमें फ़ायदा रहेगा। जैसे मैं प्रेसिडेंट साहब को बताऊं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एजुकेशन हासिल करना हर एक मुसलमान के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि हर एक जो भी जिस भी धर्म में मानता हो, चाहे कोई हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है या बुद्धिस्ट है, सिख है, एजुकेशन हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
और आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने उम्मीद चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ किया, जो भी हमारे साथ पैनलिस्ट है, चाहे मैं बात करूं प्रेसिडेंट रियाज भाई वोरा साहब की, मैं बात करूं जो इनके जनरल सेक्रेटरी है सरफराज भाई वोरा साहब, या मैं बात करूं जो ट्रस्टी है डॉक्टर जावेद एस वोरा साहब, इन तीनों ट्रस्टीज़ का और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का यही मैसेज है पूरे देश के लिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि आप खाना कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। आई वुड लाइक टू बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू एंटायर पैनलिस्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू ट्रस्टी टू जनरल सेक्रेटरी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम द ग्रेट टॉक। It was a privilege. We are honored that you have spent your precious time with us. Thank you. I would like to mention that CA Media Group is highly indebted and grateful to CA, to Umeed Charitable Trust for spending their valuable time with us and sharing the important information from education to healthcare to the social development project. And they are one of the best project prize distribution to inspire their students to take part in different education activities. With this, we would like to wrap up this program. Thank you so much, panelists. Thank you so much.